पिता की कम कमाई और कंधों पर चार बच्चों की जिम्मेदारी, ऐसे में कोई पढ़ाई करे तो कैसे करे। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव की रहने वाली दुर्गाबाई व्योम का बचपन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन अपनी कला के दम पर उन्होंने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई। हाल ही में आदिवासी कला को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 47 साल की दुर्गा को बचपन से ही कला का काफी शौक था। उन्होंने अपनी माँ और दादी से दिगना कला सीखी, यही कला धीरे धीरे उनकी पहचान बनती गई। 15 साल की उम्र में शादी कर वो अपने पति के साथ भोपाल आई, लेकिन यहाँ जीवन उनके लिए आसान नहीं रहा। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोछा तक किया। दुर्गा न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी आदिवासी कला का परचम लहरा चुकी हैं। मुफलिसी में जीवन बिताने के बावजूद दुर्गा ने जो मुकाम हासिल किया है वो देश की करोड़ों महिलाओं के लिए उदाहरण है।